हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्वेश्चन 4। आज के एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं एक आयरन फार्म। ठीक है, चलो। हाँ, वो बनाने के सब सामग्री मैं वहाँ पर, मैं जहाँ पर बनाऊँगा वहाँ पर रख कर आया हूँ। चलो वहाँ पर चल दे। आपको तो ये पता है कि आयरन फार्म, कोई भी आयरन फार्म आप हम लोग के विलेज के पास नहीं बना सकते। आई मीन विलेजर्स के पास नहीं बना सकते, आधा विलेजर्स के पास। ठीक है, इसीलिए मैं ये फार्म यहाँ पर 100 ब्लॉक दूर बना रहा हूँ। यहाँ पर नहीं, इस चट्टान के ऊपर। ठीक, यहाँ पर मैं पहले से ही कुछ सामान है। हमें इस फार्म को बनाने के लिए हमको इस फार्म को बनाने के लिए एक 5x5 का जगह खोदना पड़ेगा। 5x5 का एक जगह और उसका वो जगह का 7 ब्लॉक्स का डीप होगा। ठीक है, चलो हम एक इस जगह पर एक 5x5 का जगह जगह मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमें इस जगह को ऐसे करके खोदना पड़ेगा। मैं फास्ट लेयर आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक, अब चलो। ठीक है, ऐसे करके हमें ये चीज को 7 ब्लॉक डीप करना पड़ेगा। मैं 7 ब्लॉक को इसको डीप करके मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है गाइस, मैं इसको 7 ब्लॉक डीप कर दिया। अब इसको ऐसे करके खोदना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके। ऐसे करके हमको खोद लेना पड़ेगा। खोद के आपसे मिलते हो। ठीक है गाइस, मैं ऐसे खोद दिया। चलो फिर से ऊपर चलते हैं और सबके सब बेड्स लेकर आते हैं। चलो, ठीक है, इस पानी को ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ा सा इन्वेंटरी खाली करता हूँ मैं। मैं ये सब लेके आपसे नीचे मिलता हूँ। ठीक है गाइस, फिर से मैं सब बेड्स लेकर आ गया। चलिए इस सब को प्लेस कर देते ऐसे करके।
गाइस 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 एक सेकंड रुको, ठीक है गाइस, मैं तब सपोकेट हो गया था इसमें। ठीक है चलो हम काम पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब ऐसे करके लगाना पड़ेगा। फिर से मैं सबको सबके थो रहा था। ठीक है अब इन दोनों के बारी। मेरा ना इस फार्म का एक्सपीरियंस है, मैं एक और वॉल में ये फार्म बनाया था, ये सेम फार्म। ठीक है ऊपर चलो और सब ब्लॉक को लेकर आते हैं। ठीक है गाइस मैं सब ब्लॉक्स लेकर आ गया। अब चलो इसको ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाना है हम लोगों को। ऐसे कर दे। ऐसे करके बनाना है हमें प्लेटफॉर्म। ठीक है मैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। मैं अब घर जा रहा हूँ फ्रेजिंग टेबल लाने। मैं पहले से ही गेट फ्रेजिंग टेबल बनाने के लिए फ्लिंट इकट्ठा करके रखा था, मेरे पास था, मुझे पता है। चलो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है गाइस चलो मैं 20 फ्रेजिंग टेबल लेकर आ गया। अब इस जगह पे लगा देते हैं एक पैटर्न पर। ठीक है चलो मैं ये सबको वो पैटर्न में लगाकर अब से नहीं मिलता हूँ। ठीक है गाइस मैं सब फ्लेचिंग टेबल को लगा दिया और अब शुरू होता है सबसे बड़ा सरदर्दी का काम। क्या आपको तो पता ही है फ्लिजर्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है हमें। ठीक है मैं आपको इतना भी बोरिंग नहीं बनाऊंगा, बोर नहीं करूंगा, इसलिए मैं वो वाला पार्ट को कट कर देता हूँ। मैं बोट से और रेल का से लेकर आऊँगा। एक सेकेंड मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है गाइस बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद इन लोगों को मैं लेकर आया, ब्रीड कराया और बड़ा होने का इंतज़ार भी किया। ठीक है अब चलो बाकी का काम करते हैं, जल्दी करना पड़ेगा हमें ये काम। गेम लैग हो रहा है इतना ज़्यादा एंटिटी रहने के कारण। ठीक है मैं इस
प्लेटफॉर्म को जल्दी पूरा करता हूँ। ये गाइस मैं ये कंप्लीट कर दिया और मैं रिकॉर्डिंग को शायद से ऑफ करना भूल गया था। ठीक है चलो ऊपर, इतना छोटा हाइट के लिए भी मैं मदर वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। चलो अभी हाँ, हमें तो ये साइड से ब्लॉक क्लियर करना पड़ेगा। मैं जो जल्दी से करता हूँ, सही से ब्लॉक किया गाइस, यहाँ पर हो गया मेरा काम। मैं और कुछ सामान लेकर आता हूँ, वो चीज़ मैं लेने भूल गया। ठीक है गाइस, मैं वो चीज़ें लेकर आ गया। देखा तो हो रहा है ना। ठीक है चलो, अब पानी को हमें ऐसे प्लेस करना पड़ेगा। हाँ मेरा सब कुछ ठीक है, हमें सिर्फ अब ब्लॉक को हाँ इसको फेंक क्यों। ठीक अब हमें इस टेम्पररी ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है अब हमें यहाँ का किलिंग चेम्बर बनाना पड़ेगा। मैं उसको बना के आपसे मिलता हूँ जल्दी। ठीक है गाइस, ये मेरा फार्म तैयार हो गया, लेकिन ये अब काम नहीं कर रहा है। देखो मैं गारंटी देता हूँ कि ये काम करेगा। शायद से इसके पास वाले इलाके पर लीस वगैरह लगाना पड़ेगा, कारण देखो आयरन गोलम बाहर स्पॉन हो रहा है। ठीक है गाइस, मैं इसको फिक्स कर दूंगा ऑफलाइन। लेकिन आज के वीडियो यहाँ खराब पड़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।